हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम इकोनॉमिक्स इजी है। मैं हूं आपका अपना शिव और आज हम स्टार्ट करने रहे हैं अपनी वीडियो लेक्चर नंबर 58। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपने पास आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज मोनोपोली मार्केट। याद है दोस्तों, मार्केट वाले चैप्टर में हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट अपनी वीडियो लेक्चर नंबर 57 में कवर अप किया था और अब हम कवर अप करने आ रहे हैं मोनोपोली मार्केट जो कि है वीडियो नंबर 58। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोनोपोली मार्केट क्या होता है, ध्यान देना दोस्तों। मोनोपोली का मतलब होता है एकल अधिकार, अकेला अधिकार, यानी ये वो मार्केट है जिसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स होता है, स्पेशल राइट्स होता है, मतलब इसके जैसा और कोई होता ही नहीं है। पहले मैं आपको कोई डेफिनेशन कोई कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पहले आपको बेसिक चीजें समझाऊंगा। जैसे हम बात करते हैं एग्जांपल से दोस्तों, मैं जैसे दिल्ली में रहता हूं, ठीक है। तो हमारे दिल्ली के अंदर जो लाइट आती है वो मुकेश अंबानी की कंपनी से आती है, दैट इज BSES राजधानी पावर लिमिटेड। कौन सी है? BSES राजधानी पावर लिमिटेड। और हमारे यहाँ एक और जोन है लक्ष्मी नगर वगैरह की साइड में, दैट इज BSES रमन यमुना पावर लिमिटेड, ठीक है, दोनों एक ही यूनिट है। अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो हमारी दिल्ली के अंदर एक है, हर स्टेट की अलग अलग बोर्ड होती है। जैसे हमारी BSES है, हो सकता है भोपाल में कुछ और हो सकता है मुंबई में कुछ और हो सकता है चेन्नई में कुछ और, इस तरीके से होता है, राइट। तो हमारे दिल्ली के अंदर जो सप्लाई करने वाली यूनिट है वो एक है, यानी उसकी मोनोपोली चलती है, बिकॉज ही वॉज अ सिंगल सेलर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वी आर ऑल द बायर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या हुआ कि एक रात मुझे गर्मी लगी और लाइट चली गई, गुस्सा आया, मैंने मीटर तोड़ दिया। 200 मीटर तोड़ने के बाद मैंने कहा नहीं चाहिए तुम्हारी लाइट, भगवान से ऐसे करके मैंने बोल दिया। अब क्या हुआ ऐसे में कि कल को जब लाइट मैंने तोड़वा दी तो क्या अब मैं लाइट का कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकता हूँ? अब आपको कहे सर अपना जनरेटर ऑन कर लो, दोस्तों जनरेटर की भी कैपेसिटी होती है, लगातार नहीं जल सकता वो बिजली की तरह। फिर आपने कहा नहीं सर एक काम करो ना, वैसे जो आपके वो होती है सोलर पैनल वाली चीज होती है वो खरीदो, दोस्तों वो बरसात के टाइम काम नहीं आती। इसका मतलब लाइट की कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत सब्स्टिट्यूट है लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्या हम बोल सकते हैं लाइट कंपनियां जो है वो एक सिंगल सेलर है एंड वी आर ऑल लार्ज नंबर ऑफ बायर्स? दोस्तों इस टाइप की मार्केट को नाम दिया जाता है मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट मतलब एक अकेला व्यक्ति इस पूरे मार्केट को चला रहा होता है, एक अकेली फर्म पूरे मार्केट को चला रही होती है। ही वॉज अ सिंगल सेलर एंड वी आर ऑल लार्ज बायर्स। दोस्तों चलो ये छोड़ो, अब आपको बताया इंडियन रेलवे का एग्जांपल लेता हूं। इंडियन रेलवे जो ट्रैक बिछाती है उस पर अपनी गाड़ियां चलाती है, जो ट्रैक बिछाती है उस पर अपनी गाड़ियां चलाती है। क्या कभी आपने सुना कि इंडियन रेलवे के अंदर भी ऐसा चलो कि ये गवर्नमेंट वाली है और ये प्राइवेट वाली है? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये सेगमेंट किसी को नहीं दिया, अपने ही पास रखा। तो इंडियन रेलवे इज अ सिंगल सेलर, इज अ सिंगल सेलर ऑफ देयर सर्विसेज एंड वी आर ऑल बायर्स ऑफ देयर सर्विसेज। बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड्स की, जो सिर्फ क्या बनाती है, एयरक्राफ्ट बनाती है। एयरक्राफ्ट बनाने के लिए हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किसी को नहीं दिया, ना कोई कंपनी खुलने दी। कौन सी खुली है? सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, यानी वो सिंगल सेलर है और बाकी सब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, यानी उसकी क्या चलती है, मोनोपोली चलती है। फिर प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर। अब न्यूक्लियर पावर, अब आप ये तो नहीं कह सकते कि हमारा वाला न्यूक्लियर पावर जो है ना वो ज्यादा अच्छा है, मेरे पड़ोस में जो बना था उसका न्यूक्लियर पावर अच्छा नहीं है। ऐसे करो कल को आपस में लड़ाई हुई तुम तो न्यूक्लियर पावर फोड़ दोगे दूसरे के ऊपर। तो ऐसे में ये चीजों को हम कभी भी अलग अलग लोगों को बनाने की अनुमति नहीं देते हैं। ये सिर्फ एक अकेला अधिकार सिर्फ एक इंडस्ट्री को ही दिया जाता है और उस इंडस्ट्री को फिर क्या नाम दे दिया जाता है, मोनोपोली मार्केट का नाम दे दिया जाता है। बोलो समझ रहे? तो कुल मिला के आप क्या समझोगे, मोनोपोली मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर एक सिंगल सेलर होता है प्रोडक्ट का और उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है और बहुत सारे उसके क्या होते हैं, बायर्स होते हैं। सच टाइप ऑफ मार्केट इज कॉल्ड मोनोपोली मार्केट। तो चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर, यहां पर क्या होता है, एक सिंगल सेलर होता है प्रोडक्ट का, विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, और उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इंडियन रेलवे हैज मोनोपोली इन रेल रोड ट्रांसपोर्टेशन, आपको समझ आ गया होगा। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है मोनोपोली ओवर जनरेशन, ये भी समझ आ गया होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड फॉर एयरक्राफ्ट, ये एयरक्राफ्ट बनाती है अकेले। और प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर, यानी इन जगहों पर हमने सिर्फ अधिकार एक ही इंडस्ट्री को दिया है, कई सारी इंडस्ट्रीज को नहीं दिया। इसकी कुछ हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, कुछ बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं। मोनोपोली का मतलब होता है रेफर टू टू ग्रीक वर्ड, जो दो ग्रीक वर्ड से बना है, मोनोस, मोनोस का मतलब होता है सिंगल, मोनोस का मतलब क्या होता है सिंगल, और पॉलिस का मतलब क्या होता है सेलर, सिंगल सेलर, सिंगल सेलर, सिंगल सेलर, सिंगल सेलर, इज कॉल्ड मोनोपोली। बोलो क्लियर हुआ? अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। दोस्तों इसकी कोई ज्यादा बड़े और लंबे चौड़े फीचर नहीं होते, लेकिन जो होते हैं वो बड़े ही ज्यादा शार्प होते हैं, बड़े ही ज्यादा समझने वाले होते हैं, जिसमें पहला फीचर है सिंगल सेलर।
दूसरा है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल, मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल नहीं होता। रेस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म्स, कोई भी फर्म आसानी से ना तो आ सकती है और ना जा सकती है। इंडस्ट्री एंड फर्म बोथ आर प्राइस मेकर एंड टेकर, चाहे इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बनाती है और जो प्रोडक्ट बेची है फर्म, दोनों ही इसमें एक होती है, तो दोनों ही प्राइस मेकर भी होती है, दोनों ही प्राइस टेकर भी होती है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अच्छा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कीमत में भेदभाव पाया जाता है तीन टाइप से, पर्सनल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रिमिनेशन, प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और यूसेज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दोस्तों अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, आपको क्या लग रहा है मैं ऐसे टका दूं आपको, नहीं, इसको अभी हम एक एक करके डिटेल में विद एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सिंगल सेलर, इसको एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों आपको मैंने बताया था मोनोपोली मार्केट के अंदर एक सिंगल सेलर पाया जाता है, दोस्तों यही चीज लिखी हुई है, अंडर मोनोपोली देर इज अ सिंगल सेलर सेलिंग द प्रोडक्ट, एक अकेला व्यक्ति जो है वो प्रोडक्ट को बेचता है। एज अ रिजल्ट मोनोपोली फर्म एंड इंडस्ट्री आर वन एंड द सेम थिंग, द मोनोपोलिस्ट हैज फुल कंट्रोल ओवर द सप्लाई एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो क्या होता है जब एक अकेली इंडस्ट्री उसको खरीद बनाने वाली होती है तो उसका पूरा कंट्रोल अपने ही हाथों में होता है कि वो उस प्रोडक्ट के साथ कैसे डील करेगी। हाउएवर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, जबकि बायर्स का तो बहुत सारे थे मोनोपोली मार्केट के अंदर, नो सिंगल बायर कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस, और कोई भी बायर इसके प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता क्योंकि बेचने वाला एक है तो वो अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहेगा वो कर सकता है, राइट। अब अगला फीचर हम कौन सा पढ़ेंगे, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल, यानी इस मार्केट के अंदर हमारा क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि जब बेचने वाला एक है तो क्या कोई दूसरी इंडस्ट्री का गुड्स हम खरीद सकते हैं, नहीं, हमें इसी का ही खरीदना पड़ेगा। वही लिखा हुआ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल। अब मैं ये कहूँ कि मुझे ट्रेन से जाना है बट मैं इंडियन रेलवे से नहीं, मैं किसी और रेलवे से जाऊंगा, क्या लगता है आपको, जा सकता हूँ? द आंसर इज नो। मैं कहता हूँ मुझे बीएसई राजधानी पावर लिमिटेड की लाइट नहीं चाहिए, मैं किसी और की ले लूंगा लाइट, क्या मैं ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। अगर मैं बात करूँ एयरक्राफ्ट की, तो एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के अलावा कहीं से एयरक्राफ्ट ले सकते हैं? नहीं ले सकते। यानी क्या कोई उनका क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है? द आंसर इज नो। तो वही लिखा हुआ है द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय अ मोनोपोलिस्ट हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, सो मोनोपोली फर्म हैज फियर कॉम्पिटिशन फ्रॉम न्यू और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। क्या होता है कि जब कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता तो उन्हें कोई डर नहीं होता, नो फियर, कोई डर नहीं होता कि उनका कोई कॉम्पिटिटर आएगा, कोई नई चीज लेकर आएगा, कोई एग्जिस्टिंग चीज में मॉडिफिकेशन करेगा, कोई दिक्कत नहीं। जब बेचने वाला मैं अकेला हूं तो मुझे किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी है कि काम कैसे करना है, क्योंकि मैं अकेले ही वो काम करूंगा, कोई दूसरा आएगा नहीं, तो मुझे भी ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या, देखो देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या इलेक्ट्रिसिटी का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है? नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर, हाउएवर द प्रोडक्ट मे हैव डिस्टिंक्ट सब्स्टिट्यूट लाइक इन्वर्टर जनरेटर एक्सेट्रा, हाँ ये बोला है कि उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन हाँ डिस्टिंक्ट सब्स्टिट्यूट है, थोड़ा सा है सब्स्टिट्यूट बट उतना ज्यादा नहीं है, जैसे कि इन्वर्टर हो गया या जनरेटर हो गया, ये कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते, ये तो बस थोड़े से हेल्पिंग चीजें होती है, राइट, इन्हें हम क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल का नाम नहीं दे सकते, ठीक है। तो इस मार्केट में सिंगल सेलर पाया जाता है, इस मार्केट में सब्स्टिट्यूट पाए ही नहीं जाते हैं। और थर्ड है रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। अब एक बात बताता हूँ मैं आपको, हमारे दिल्ली के अंदर ना रतन टाटा की कंपनी है जो कि टाटा मतलब टाटा पावर लिमिटेड करके आना चाहती थी, दोस्तों गवर्नमेंट ने मना कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में रिलायंस ही रहेगी, मतलब बीएसएस राजधानी पावर लिमिटेड रहेगी। अगर टाटा को इलेक्ट्रिसिटी बनानी है तो वो मेट्रो के लिए स्पेसिफिक, जिनमें स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है उनके लिए बनाए, बाकी ओवरऑल जनता के लिए वो नहीं बनाएगी, यानी उन्हें हमने मार्केट में एंट्री नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि ऐसा ना हो कि वो अपनी उस पोजिशनिंग का गलत फायदा उठाए, उन्हें पता चल जाए कि यार अगर हम दो तीन लोग हैं तो हम एक कार्टेल एक ग्रुप बना सकते हैं। दोस्तों इस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट जो है एंट्री पर और एग्जिट पर बैन लगा देती है, कोई भी नई फर्म इसमें आ नहीं सकती है और जो पुरानी फर्म है वो इसे छोड़ के जा नहीं सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी पूरी तरह से हेल्प करता है और गाइड करता है कि आपको जाने की जरूरत है जब हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो इस मार्केट के अंदर रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री एंड एग्जिट पाया जाता है। वही लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग बैरियर टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैरियर होता है, कोई इतनी आसानी से आ नहीं सकता और एग्जिस्टिंग फर्म जा नहीं सकती है। एज अ रिजल्ट अ मोनोपोली फर्म कैन अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल से जो ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए वो कहलाता है एबनॉर्मल, यानी इस फर्म के अंदर जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इस मार्केट के अंदर जो इंडस्ट्रीज होती हैं, एक एक इंडस्ट्रीज होती है अपने पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर, वो खूब सारा प्रॉफिट कमाती है, नॉर्मल से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, एंड लॉसेस इन लॉन्ग रन। दीज बैरियर मेड ड्यू टू लीगल रेस्ट्रिक्शंस
like licensing, patent rights due to restriction creating by firm from form of cartel. दोस्तों अभी जो licensing वगैरह ना इसका एक separate topic है जो मैं इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा, तो वहां इसको discuss कर लेंगे, right? तो चलिए अब अगला point है price discrimination. दोस्तों ये वो point है जिस पर exam में question अगर पूछा गया monopoly से तो यही इसी point से पूछा जाएगा, याद रखना. पूछे कहीं से भी पूछ सकते हैं, बट examiner का बहुत ही अच्छा, मतलब एक जीवन साथी की तरह होता है, इसे वो कभी नहीं छोड़ता, हमेशा अपने साथ रखते हैं. जब जब एग्जाम होगी तब तब ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आई आएगा. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ध्यान से देखना, आप मोनोपोलिस्ट में चार्ज डिफरेंट प्राइस फ्रॉम हिज प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट सेट्स ऑफ कंज्यूमर एट द सेम टाइम, इट इज नोन एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. दोस्तों भेदभाव का मतलब क्या होता है कि सेम चीज जब हम दो लोगों के साथ अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं तो वो कहलाता है भेदभाव. दोस्तों आप लोगों के साथ कभी हुआ या नहीं हुआ, मैंने तो कई बार नोटिस किया है कि जब कभी मैं मेट्रो में जाता हूँ तो जब मेट्रो में कोई भी बंदा किसी भी मेल मेंबर को कुछ बोलता है तो वो मेल मेंबर को बोलता है हेलो भाई थोड़ा साइड हो जाओ, हेलो भाई क्या कर रहा है, हेलो भाई चिपक क्यों रहा है, ऐसे करके. लेकिन जब कोई लड़की होती है तो पता है कैसे बोलता है, मैम क्या आप थोड़ा सा उधर हो जाएंगे, मैम ये लीजिए आप सीट लीजिए, मैम ये लीजिए आप मेरे सर पे बैठ जाइए. यानी आप बड़ी इज्जत से बात करते हो. यानी क्या है, लड़का है तो ऐठ के बात करो और लड़की है तो प्यार से बात करो. यानी तो बड़ा भेदभाव हो रहा है, मेट्रो वही बंदा वही सब कुछ वही लेकिन फिर भी भेदभाव हो रहा है. दोस्त इसी तरीके से मोनोपोली मार्केट के अंदर कीमत में क्या पाई जाती है, भेदभाव पाया जाता है. प्राइस में क्या पाया जाता है, भेदभाव पाया जाता है. इस मोनोपोली मार्केट के अंदर हम एक ही प्रोडक्ट अलग अलग लोगों को देते हैं और हम अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं. यानी इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है. अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे पाया जाता है, वो तीन पार्ट में पाया जाता है, पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और यूसेज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. दोस्तों तीनों के बारे में मैंने डिटेल डिस्कशन यहां पर की हुई है, ध्यान से पढ़ना. पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि जब आप कभी ट्रेन पे गए हो, जब आप ट्रेन की टिकट की बुकिंग कराते हो और पहले से रिजर्वेशन जिसे बोलते हैं रिजर्वेशन कराते हो, तो आपने देखा कि जो सिटीजन ओल्ड सिटीजन होते हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके लिए टिकट के प्राइस पे कुछ स्पेशल डिस्काउंट होते हैं, उनकी टिकट जो होती है सस्ती होती है. लेकिन जो यंग होते हैं, जो 60 साल से कम होते हैं, उन्हें यंग बोला जाता है, उनकी टिकट की प्राइस महंगी होती है. अब आप एक बार बताओ, ट्रेन वही, ड्राइवर वही, कोचेज वही, सीट वही, लेकिन अगर कोई उस पर ओल्ड एज वाला बैठे या कह लो आप सीनियर सिटीजन बैठे तो प्राइस कम है, और हम लोग बैठे तो हमारे तो ऐसे कांटे लगे हुए पीछे कि हम बैठेंगे तो उनकी सीट फट जाएगी, तो हमसे लेते प्राइस ज्यादा. दोस्तों दिस इज कॉल्ड पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. क्यों? क्योंकि मोनोपोली मार्केट के अंदर ये चीज पाई जाती है. वही लिखा हुआ है, इन दिस केस सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड, इस केस के अंदर सेम प्रोडक्ट बेचा जाता है लेकिन प्राइस डिफरेंट चार्ज किया जाता है काइंड ऑफ बायर के हिसाब से. एग्जाम्पल देखो, रेलवे टिकट इज चीपर फॉर सीनियर सिटीजन एज कंपेरिजन टू यंग सिटीजन. बोलो क्लियर हुआ. अगला पॉइंट है प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, दोस्तों जगह के अनुसार भी ना प्राइस कम और ज्यादा हो जाती है. जैसे अगर मैं बात करूं कि कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है ना, कभी कभी मोस्टली मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस गांव के अंदर जो अर्बन एरियाज होते हैं, रूरल एरियाज होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर यूनिट बहुत कम होती है, लेकिन अर्बन एरियाज के अंदर पर यूनिट चार्ज बहुत ज्यादा होती है. दोस्तों एक बात होता है, वहां की बिजली नहीं, हमारी बिजली है क्या, क्या मतलब है इसका. दोस्तों वो भेदभाव करते हैं, वो एरिया के हिसाब से भी भेदभाव करते हैं, इसे बोलते हैं प्लेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. इसका मतलब क्या है, अंडर दिस सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड एट डिफरेंट प्राइस एट डिफरेंट प्लेस. सेम प्रोडक्ट बेचा जाता है अलग प्राइस पर अलग अलग जगहों के हिसाब से. जैसे एग्जाम्पल दिया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एट लोअर फॉर रूरल एरियाज के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कम है एज कंपेरिजन टू अर्बन एरियाज, जबकि अर्बन एरियाज के लिए क्या है, ज्यादा चार्जेस है, राइट. इसके अगला हमारा वो आता है यूसेज प्राइस डिस्क्रिप्शन, जिसे यूज प्राइस डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं. मैं अगर यूसेज बोलूँ ना तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, यूज और यूसेज एक ही चीज होता है. यूज प्राइस डिस्क्रिप्शन, इन दिस टाइप सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड एट डिफरेंट प्राइसेस. हम सेम प्रोडक्ट बेचते हैं अलग अलग प्राइसेस पर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट यूजेस, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट यूजेस. पढ़ो. अच्छा आपको एक बात बताओ, आप लोग जिस घर में रहते हो, आज अपने पापा या मम्मी से पूछना, जो भी घर में ज्यादा आपको लगता है जिससे आप आंसर ले सकते हो, उनसे पूछना कि पापा ये बताओ हमारे यहाँ जो लाइट आती है वो किस मीटर के थ्रू आती है. तो पापा पता है क्या बोलेंगे, पापा बोलेंगे हमारे यहाँ जो लाइट आती है वो डोमेस्टिक मीटर के थ्रू आती है, क्योंकि हमने जो मीटर लगाया है वो घर की कंजम्पशन के लिए लगाया है, हम उससे कोई पैसा अर्न नहीं करेंगे बल्कि घर की कंजम्पशन के लिए लगाया है. इसका मतलब उन्होंने जो मीटर लगाया वो डोमेस्टिक मीटर लगाया है. लेकिन अगर कोई बंदा अपनी शॉप खोलता है
ये अपनी कोई इंडस्ट्री खोलता है, अपनी कोई कंपनी खोलता है, कोई शोरूम खोलता है, कोई सर्विस सेंटर खोलता है। दोस्तों जहां पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉमर्शियल पर्पज से आप लाइट का यूज करते हो, वहां पर लगते हैं कॉमर्शियल मीटर। कैसे लगते हैं मीटर? कॉमर्शियल मीटर। और कॉमर्शियल मीटर के यूनिट रेट होते हैं ज्यादा एज कंपेरिजन टू डोमेस्टिक मीटर। अब बताओ मेरे बगल में एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में कौन सा मीटर लगा हुआ? कॉमर्शियल मीटर। उसके यूनिट रेट ज्यादा है और मेरे यहाँ लगा हुआ डोमेस्टिक मीटर, क्योंकि मैं रेजिडेंशियल हूं, मैं घर के यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए बिजली ले रहा हूं, मेरा यूनिट रेट है कम। दोस्तों हम दोनों की लाइट एक ही खंबे से आ रही है, एक ही खंबे से पावर के डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन प्राइस क्या है? अलग अलग है। क्यों है? दिस इज कॉल्ड ऑल अबाउट यूसेज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जैसा आप उनका यूज करोगे वो वैसे चार्ज करेंगे प्राइस को। अब एक बात और, इंडस्ट्री अगर आपकी लाइट को यूज करके पैसा कमा रही है तो लाइट कंपनी क्या बोली, भैया मुझे भी तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दो ना, क्योंकि मेरी लाइट से तुम क्या कर रहे हो, अर्निंग कर रहे हो। ये रीजन है कि डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। एग्जाम्पल इसको पढ़ो, इन दिस टाइप सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड एट डिफरेंट प्राइसेस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट यूजेस। एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, charges are charged on the basis of usage. Domestic charge is lower than the commercial per unit rate. आपको क्लियर होगी ये बात। अब इसके बाद हमारा आता है फिफ्थ एग्जाम्पल, फिफ्थ फीचर। आपको याद है ना हमने ये सारे फीचर्स की बात की थी, हमने सिंगल सेलर पढ़ लिया, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल भी पढ़ लिया, रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री एंड एग्जिट भी पढ़ लिया, इंडस्ट्री एंड फर्म बोथ आर प्राइस मेकर एंड टेकर भी पढ़ लिया, और ये सारी चीज अभी ये नहीं पढ़ा, शायद फोर्थ पॉइंट नहीं पढ़ा, और फोर्थ पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया फिफ्थ पॉइंट के अंदर। देखो ये रहा फिफ्थ पॉइंट, पढ़ते हैं, इंडस्ट्री एंड फर्म बोथ आर प्राइस मेकर एंड टेकर। अच्छा एक बात बताओ, जब लाइट बनाने वाली बीएसई राजधानी पावर लिमिटेड है तो वो लाइट खुद ही बनाती है, और जानते हो वो खुद ही बेचती है, उसने कभी ऐसा नहीं किया कि गली मोहल्ले में लाइट बेचने वाले अलग अलग फर्म खोल के बैठे हो, ऐसा नहीं होता। वही लाइट बनाती है, वही लाइट को बेचती है, तो वही इंडस्ट्री है और वही क्या है, फर्म है। बोथ आर इंडस्ट्री एंड बोथ आर फर्म, सो देयर इज प्राइस टेकर एज वेल एज प्राइस मेकर ऑल्सो, राइट। तो देखो इन सच अ केस इंडस्ट्री एंड फर्म बोथ आर सेम, इस केस के अंदर इंडस्ट्री और फर्म दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। सो फर्म हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्री आउटपुट, तो फर्म के पास पूरा कंट्रोल होता है इंडस्ट्री के आउटपुट से रिलेटेड। एज अ रिजल्ट मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर एंड फिक्सेस इट्स ऑन प्राइस, और वो अपनी ही प्राइस को खुद फिक्स करता है। बोलो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई है? अगर इतनी बात क्लियर हुई है तो हमें चीजें समझ में आ चुकी हैं। अब हम कुछ बात करते हैं रीजंस ऑफ इमर्जिंग मोनोपोली, आखिर वो क्या रीजन है जिसकी वजह से गवर्नमेंट मोनोपोली क्रिएट करने के लिए बोलती है। याद रखना, अब आप सोचो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एक है, वो चाहे तो अपना उसका मिसयूज कर सकती है ना, वो यूनिट रेट बढ़ा दे, और गवर्नमेंट जानती है कि अगर यूनिट रेट बढ़ाएगी तो पब्लिक की मजबूरी है कि लाइट कंपनी एक है तो लाइट उसी से खरीदनी पड़ेगी, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो याद रखना मोनोपोली इज नॉट बैड, मोनोपोली अच्छी है, बट मिसयूज ऑफ मोनोपोली इज बैड। क्या बोला मैंने? मोनोपोली इज नॉट बैड बट मिसयूज ऑफ मोनोपोली इज बैड। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी रेट बढ़ा दे तो वो जानती है हमारे पास और कोई चारा नहीं, हम तो फिर भी खरीदेंगे, तो ये चीज गलत है, आप उसका मिसयूज कर रहे हो, राइट। तो गवर्नमेंट मोनोपोली बनाने के लिए क्यों बोलती है? पहला गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग का मतलब होता है गवर्नमेंट कहती है कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जैसे इंडियन आर्म्स हो गए या आर्म्स एंड एग्निशंस हो गए, न्यूक्लियर पावर हो गए, इनके लिए हम अपना लाइसेंस इशू करेंगे, और जिसको लाइसेंस इशू करेंगे सिर्फ वही लोग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना सकते हैं, ये हर प्रोडक्ट कोई हर बंदा नहीं बना सकता। कुछ सेलेक्टिव रीजंस होते हैं, कुछ सिक्योरिटी कंट्रोल्स होते हैं जिनके चलते हम लाइसेंस हर किसी को इशू नहीं करते हैं, ताकि मोनोपोली मार्केट में क्रिएट हो पाए, राइट। नंबर टू पेटेंट राइट्स। दोस्तों क्या होता है, जिसकी टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी होती है उसको हम क्या करते हैं, उसको मोटिवेट करने के लिए हम उसको एक राइट दे देते हैं कि ये तुम्हारा राइट है कि तुम इस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। अगर कोई यूज करे, कोई और यूज करे तुमसे बिना परमिशन लिए, तो तुम उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो, और वो बंदा अगर तुम्हारी टेक्नोलॉजी यूज करना चाहता है तो वो तुम्हें बदले में पैसे देगा, क्योंकि वो तुम्हारी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। दिस इज कॉल्ड पेटेंट राइट। दोस्तों मोनोपोली क्रिएट करने के पीछे अगला रीजन होता है पेटेंट राइट को और बढ़ावा देना, ताकि जो नए नए लोग हैं वो इन्वेंशंस करते रहे, इन्वेंशंस को बढ़ाने के लिए पेटेंट राइट दिया जाता है। जैसे सॉन्ग्स भी होते हैं ना, गाने होते हैं, उनके लिरिक्स का पेटेंट राइट होता है कि उसे कोई चुरा ना पाए, राइट। चलिए कार्टल, कार्टल का मतलब होता है ग्रुप। दोस्तों ग्रुप होना बहुत अच्छी बात है, हमारा सबसे बड़ा ग्रुप है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इनका क्या है, ये गल्फ कंट्रीज, ये ओपेक एक ऐसा ग्रुप है जो पूरे वर्ल्ड में क्या सप्लाई करता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सप्लाई करता है, और इसे बोलते हैं कार्टेल। कार्टेल मतलब ग्रुप। गवर्नमेंट कहती है अगर आप कार्टेल बना के मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से ही नहीं होना चाहिए, बल्कि सर्विस मोटिव भी होना चाहिए, सेल्फ सर्विस भी होना चाहिए।
इसके बारे में कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल। दोस्तों ये सारे वैसे वो पॉइंट है जो इन्हें हम बोलते हैं रीजंस फॉर इमर्जिंग मोनोपोली। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पढ़ा दिए इतना ही रख लो, ठीक है। तो अब हमने अपने पास कितने मार्केट कर लिए, देखो मैंने आपको बताया था फॉर्म्स ऑफ मार्केट हमारे पास चार होते हैं। हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो गया, मोनोपोली हो गया, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे मोनोपोली और उसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे ओलिगोपोली। सो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए इतना।